गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको नंबर ड्राइंग सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी ड्राइंग है जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 10 शेप में कुछ कुछ ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी तरीके से बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये 1 खींचा, 1 से देखिए क्या बनता है। ये 1 की शेप को यूज़ करते हुए मैंने एक कैंडल बनाई है जिसमें एक कैंडल इसकी वैक्स मेल्ट हो गई, ज़मीन पे गिर रही है। चाहे तो मैं इस पर पेंसिल से शेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें डार्क और लाइट का शेड को यूज़ कर सकते हैं। इसी के हिसाब से अब इसी तरह मैंने 2 लिखा। 2 से देखिए मैं क्या बनाती हूँ। ये 2 का शेप किया है। 2 की शेप से एक सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से एक डक बनाई जा सकती है। नेक्स्ट ये मैंने 3 लिखा। 3 से देखिए क्या बन रहा है। ये 3 का शेप आया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन खींची और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है। एक पैरेट बन जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर बच्चे सोचते हैं कि हम पैरेट कैसे बनाएं, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर मैंने 3 नंबर यूज़ किया और 3 नंबर के यूज़ करते हुए एक पैरेट को बना दिया। अब इसके चाहे तो इसके साथ में एक बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये मैंने 4 लिखा। 4 से देखिए क्या बन रहा है। सिंपल से 4 लिखा, ठीक है। इस 4 से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मगर सिंपल तरीके से मैं, ये बहुत ही ईजी तरीका है। फर्स्ट से बच्चे सीखते हुए आ रहे हैं, मगर कभी कभी इसका मेज़रमेंट करना आसान नहीं होता बनाने के लिए, स्टार्टिंग नहीं समझ में आती है। ये 4 शेप यूज़ किया और 4 से मैंने एक सिंपल सी एक काइट बनाई है जो आसमान में उड़ रही है, जो हमारे नन्हे बच्चों की तरह, जो उनकी चाह होती है आसमान में उड़ने की, वैसे ही। ये देखिए, इसके बाद आता है 5। 5 से देखिए कैसे बनेगा। ये छोटा सा मैंने 5 बनाया है। इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया, एक ऊपर से शेप दिया और एक सिंपल सा शेप मैं ऐसे लाती हूँ। इससे 5 शेप से ही देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्या बन रहा है। ये एक मुर्गी का शेप है। इसको चाहे तो बच्चे कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 यूज किया, इस 5 से ये मुर्गी बन गई। देखिए 5 के बाद ये आता है 6। 6 से देखिए मैं क्या बना रही हूँ। 6 का शेप दिया। एक गिलहरी बन गई। चाहे तो गिलहरी भी बना सकते हैं, चाहे एक चूहा भी बना सकते हैं 6 शेप को यूज़ करते हुए। इसके हाथ में कुछ भी पकड़ा सकते हैं, चाहे कोकोनट या कुछ भी। देखिए 6 के बाद आता है नंबर 7। 7 से हमें क्या यूज़ करना है।
ये 7 खींचा सिंपल तरीके से, ऊपर से एक लाइन मिलाई और एक नीचे हल्का सा स्माइली करते हुए लाइन खींचा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ पर एक कर्व लाइन खींची, कर्व लाइन जैसे पानी की धारा, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक शिप बना दिया जो पानी में घूम रही है। चाहे तो शिप के साथ एक फिगर भी डाल सकते हैं जो कि सिंपल सा फिगर होगा, और उसके हाथ में चप्पू बना देंगे। इसको यह आप पे निर्भर है कि आप इस डिज़ाइन को कितने सुंदर तरीके से सजा सकते हैं और सुंदर कलर के प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए 7 के बाद आता है नंबर 8। 8 नंबर बहुत ही ईजी है बनाना। 2 सर्कल सिंपल सा 8 बनता है। इस 8 के बाद हमें क्या करना है, दो आंखें, एक स्नोमैन बनाने हैं, बनाना है स्नोमैन के सर पे एक हमें कैप पहनानी है। स्नोमैन के नाम से हमें विंटर की याद आती है और विंटर के नाम पे हमें अपनी विंटर वेकेशंस स्टार्ट होने लगते हैं। स्नोमैन बनाया तो हमें पीछे माउंटेन दिखानी है और छोटे छोटे घास निकालने हैं। एट के बाद आता है नंबर 9। 9 से देखिए कैसे बनना है। ये 9 हुआ, हल्का सा इसके शेप्स को नीचे से कर्व करना है, इसके बाद ये ऐसे आना है और हमने ये बनाया। इसके बाद ऊपर इसके एक चोंच बनाई, ये मैंने एक मोर बनाया जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सिंपल सा मोर ये बन रहा है। इसकी अब इसकी पर बनाने हैं मुझे। मोर के नाम से लगता है कि बहुत सारे कलर्स याद आ जाते हैं, जैसे कि रेनबोज के। वास्तव में मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इतना सुंदर पक्षी है भी नहीं कोई। अब इसके बाद इसके पैर बनाने हमें, और उसको एक मोर को मुझे डाल पे बैठाना है। इस तरह ये हमारा एक मोर तैयार होता है 9 से। लास्ट नंबर हमारा आता है 10। ये 2 डिजिट का नंबर है, सिंपल सा 10, हमें एक 10 लिखना है। 10 से वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, मगर बच्चों के खेलने से, सब छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को खेलने से संबंधित एक पिक्चर बनाना ज़रूरी है, गेम। तो ये है, हमने बनाई एक 0 से एक बॉल, और बॉल से कैसे बन, और 1 से कैसे बनता है एक बैट। मैंने बैट और बॉल बनाया है, इसको चाहे तो कलर भी कर सकते हैं या शेडिंग के द्वारा 3D या 2D में दिखाया जा सकता है। इस तरह नंबर ड्राइंग के द्वारा मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे मैंने
वन से एक कैंडल बनाई, टू से एक डक बनाई, थ्री से एक पैरट बनाया, फोर से एक पतंग बनाई, फाइव से एक मुर्गे का चित्र बनाया, सिक्स से गिलहरी बनाई, एक चूहा भी बनाया जा सकता है सिक्स से, सेवन से एक बोट बनाई जो पानी में चल रही है, उसके साथ एक फिगर भी डाला है, एट से एक स्नोमैन बनाया, पीछे बैकग्राउंड भी सेट किया उसके अकॉर्डिंग, नाइन से एक मोर बनाया जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और टेन से एक बैट बॉल बनाया लास्ट में बच्चों के लिए। धन्यवाद।